सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज हम बनाने वाले हैं चिकन मसाला। सो चिकन मसाला बनाने के लिए हमको ये इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। सो मैं आपको बताता हूँ, 1 किलो चिकन लगेगा सबसे पहले हमको। उसके बाद हम लेंगे 1.5 चम्मच मिर्ची का पाउडर, लाल मिर्ची होनी चाहिए, और 2 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे हम, और 1 चम्मच हम ले लेंगे हल्दी पाउडर। उसके संग 2 चम्मच लेंगे हम सॉल्ट यानी नमक। नमक के संग लेंगे हम गरम मसाला ले लेंगे आधी चम्मच, और हम लेंगे 2 तेज़पान के पत्ते और थोड़ा सा होल स्पाइसेस ले लेंगे, 3 टमाटर और अपनी थोड़ा धनिया पत्ती, और 1 चम्मच जीरा हो गया अपना। उसके बाद 10 से 15 गार्लिक के टुकड़े टुकड़े ले लेंगे, और 2 पीसेस हम लेंगे अपने अदरक के, और 3 ग्रीन चिली और 6 से 7 ऑनियन। सो हम सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले मिक्स कर लेंगे, मतलब इसका पेस्ट बना लेंगे। सो आपको मैं पेस्ट बनाने के बाद मिलता हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं, हमने सबका पेस्ट बना लिया, ऑलमोस्ट हमने वो मसाला तैयार कर लिया जो मेन है हमारा। उसमें हमने सारे जो वो स्पाइसेस और पाउडर के जो थे उसमें पानी मिला के हमने मिक्स कर लिया है। अब ये चिकन के हम पीसेस लेंगे, वो इनको अच्छे से कट कर लेंगे क्योंकि इसमें अच्छे से मसाला ऑब्जर्व हो, सो टेस्ट और बढ़िया निखर के आएगा। सो इसे इस प्रकार से हम कट कर लेंगे इनको सबको, लेग पीस उनको, ये देखिए इसे इस प्रकार से। गैस ऑन करेंगे, देखिए ये पतीला ले लिया है, इसमें हम ऑयल डाल के इसको मतलब मसाले को अच्छे से पकाएंगे। सो मैं आपको गैस ऑन करने के बाद मिलता हूँ। सो हमने गैस ऑन कर रहे हैं अभी, देखिए इस पर रखा हमने पतीला, और इसमें हम ऑयल डालेंगे। गैस ऑन कर लिया, अब इसमें हम बड़ी 2.5 चम्मच तेल डालेंगे। सो मैं तेल डाल देता हूँ कि आपको मिलता हूँ। 2.5 चम्मच तेल डाल लिया है, अब इसको हम गर्म होने देंगे, अच्छे से गर्म होने देंगे। हम चेक करेंगे कि तेल गर्म हुआ है या नहीं, उसके लिए थोड़ा सा अपन पेस्ट डालेंगे। देखिए पेस्ट एकदम तैरने लग गया ऊपर, और इसका मतलब है कि हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। सो हम पूरा पेस्ट डालेंगे इसको पकाने के लिए। या सो हमने अभी पेस्ट डाल दिया है। सो पेस्ट डालते समय सावधान है, हम आपको छींटे उड़ सकते हैं ऑयल के, सो बी सेफ। सो हम इसको अच्छे से पका लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। हो चुका है और कितना अच्छा कलर आ चुका है इसमें। ये जो हमने पेस्ट बनाया था गार्लिक जिंजर और ग्रीन चिली का, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से चलाएंगे इसको इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से चलाएंगे इसको अच्छे से। सो पेस्ट अभी अच्छे से पक गया है, अब हम इसमें डालेंगे अपना खड़ा मसाला, जिसमें 3 लीफ से अपने वो तेजपान की 3 लीफ से, और बाकी का खड़ा मसाला। सो उसको अभी अच्छे से चलाएंगे हम। सो इसको अच्छे से कर लिया है हमने, अब इसमें डालेंगे हम जीरा। जीरा डालने के बाद, जीरा आपको क्वांटिटी बता दी मैंने जीरा कितना डालना है, और उसको अच्छे से चलाएंगे ऐसे इस प्रकार से। सो इसको चलाते रहे अभी, तब तक ये पक गया ना, मसाला पक गया है, मतलब पेस्ट तो पक गया है अच्छे से। देखिए कलर इसका चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमने जो पेस्ट बनाया था, जो जो मेन मसाला है वो डालेंगे इसमें। इसमें मिर्ची, धनिया, हल्दी सब है इसके अंदर, और मसाला पाउडर भी। सो इसको अच्छे से पेस्ट को डाल देंगे हम, और इसको भी चलाते रहेंगे। एक बात ध्यान में रखना, आप मसाले को जितने ज़्यादा पकाएंगे उसका टेस्ट उतना ही अच्छा लगेगा। सो अभी देखो मसाले का रंग चेंज हुआ, इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम, जो मसाला चिपक गया है कटोरी में उसको भी डाल देंगे। अब इसको चलाते रहना है इस प्रकार से। नमक आप कितना भी ले सकते हैं, पर मैंने 2 चम्मच नमक लिया है, और इसको भी मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से मसाले के अंदर, और उसको अभी चलाते रहेंगे। देखिए इसका रंग चेंज हो गया है, कितना खुशबू ही बहुत प्यारी आ रही है इसकी। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट, जो हमने मिक्स कर लिया था, पेस्ट बना लिया था इसका, इसको भी डाल के अच्छे से हिलाएंगे इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से हिलाते रहना इसको, चलाते रहो इसको।
तेज फुर्का से चलाते रहना है। मसाले को अच्छे से पकाएं वरना टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। सो अभी ये भी अच्छे से मर्ज हो गया है, देखिए ग्रेवी का कलर देखिए कितनी शानदार लग रही है। इसको चलाते रहेंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे चिकन पीसेस जो हमने कट कर लिए थे, इस प्रकार से डाल देंगे हम इसमें। सो हमारा चिकन 1 किलो है, सो इसको डाल के अच्छे से चलाएंगे हम इस प्रकार से, देखिए इसे चलाते रहना है होने में, देखिए इस प्रकार से चलाते रहना है इसको। सो इसको हम अभी ढक देंगे। सो इसको अभी हमने ढक दिया है। सो देखिए अब हमने 5 मिनट बाद इसको चेक करेंगे और इसको अच्छे से मतलब चला लेंगे, थोड़ा मसाले चिपके ना इस प्रकार से, थोड़ा चला के इस प्रकार से चलाएंगे हम इसको। ये देखिए अब इसको हम फिर से ढक देंगे 5 मिनट्स के लिए। ये देखिए अब हमने टोटल 10 मिनट्स हो गए, हमने 2 बार 5 मिनट्स के लिए ढक दिया इसको। और अब देखिए अभी इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और चलाएंगे क्योंकि मसाला चिपके है ना, इसको ऐसे चलाते रहना है इस प्रकार से। ये देखिए कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, इस प्रकार से चलाते रहना है इसको। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे 1 गिलास, आप आपके हिसाब से ऐड कर सकते हैं पर मैं अभी 1 गिलास ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इस प्रकार से इसको चलाते रहेंगे हम सब्जी को। ऑल सेट हो गया है, अब हम सब्जी को ढक देंगे इस प्रकार से 15 मिनट के लिए। ये देखिए ऑलमोस्ट चिकन पक गया है, उसको हम इसे प्लेट में ले लेंगे इस प्रकार से। देखिए अभी हम चेक करेंगे चिकन पका है या नहीं। सो देखिए चिकन पक गया है, ऑलमोस्ट रेडी है हमारा चिकन। ये देखिए ये इस प्रकार से। सो इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए चिकन बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे। सो हम इस प्रकार से डाल देंगे धनिया पत्ती और उसको अच्छे से चला लेंगे। और इसको अच्छे से चला लेंगे इस प्रकार को। ये देखिए सो हमारा चिकन मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। देखिए ये अच्छा सा पक गया है, देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए एकदम थिक ग्रेवी है। सो चिकन मसाला हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। सो अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। प्लेट में आपको सर्व करके दिखाता हूँ कैसा बना है चिकन मसाला। देखिए आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ चिकन मसाला बना कैसा है हमारा चिकन मसाला। ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए, देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं, आप होटल का खाना भूल जाएंगे। सो एक बार ट्राई करें घर में बनाने के लिए। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।